हाय गाइस, नमस्ते. वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे. दिस इज अ फ्रेश अपडेट ऑन करंट एनर्जी. जिस भी व्यक्ति, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसी है. एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग हम देखेंगे कि भगवान गणेश की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है. ठीक है, सो लेट अस बिगिन द रीडिंग. पुरानी रीडिंग्स की एनर्जी यहां से पहले रिमूव कर देते हैं. एंड मीन वाइल, जब तक मैं आप लोगों के लिए गाइस कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आई वॉन्ट कि आप अपने पर्सन का जो चेहरा है उसको विजुअलाइज कीजिए एंड मन में तीन बार उनका नाम, जिस भी नाम से आप उनको बुलाते हैं, तीन बार उनका नाम अपने मन में आप रिपीट कीजिए. ओके, महादेव प्लीज गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स. जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनकी आज की एनर्जी क्या है. वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स. ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. टू ऑफ पेंटिकल्स. नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ कप्स. ठीक है, अगला कार्ड हमारे पास में है जस्टिस का. लेट्स टेक फोर मोर कार्ड्स, उसके बाद रीडिंग आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ. आप चाहो तो स्किप कर सकते हो ये पार्ट टिल द टाइम आई एम शफलिंग, या फिर अपने पर्सन की एनर्जीज के साथ में आप कनेक्टेड रह सकते हो टू गेट मोर एक्यूरेट रीडिंग. नेक्स्ट वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव टेन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स. कैन यू सी कितना कुछ इनके माइंड में चल रहा है जो कि जबान तक नहीं आ पा रहा है. एंड प्रोबेबली दिस पर्सन इज अ स्मोकर ऑल्सो, शायद ये स्मोकिंग भी करते हैं और इनको मे बी यू नो साइकिलिंग का, बाइक चलाने का या जिम वगैरह जाने का बहुत ज्यादा शौक है. तो एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि इंसान अपनी हेल्थ खराब भी कर रहे हैं और उसको सही भी करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये इंडिकेशन हो सकता है स्पिरिट की तरफ से कि ये पर्सन सिचुएशन को खुद ही खराब करते हैं और खुद ही उसको सही करने की कोशिश करते हैं. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हैंग्ड मैन. ओवरऑल एनर्जी जो इनकी आपकी टूवर्ड्स आ रही है इस समय पर, फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ज्यादातर लोगों के लिए जो इस समय पर ये वीडियो, ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन कहीं स्टक दिखाई दे रहे हैं. ओके, और बहुत बेचैनी है इस स्टक सिचुएशन से. ये पर्सन बाहर निकलने के बारे में भी सोच रहे हैं. राशियां अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि वाले काफी सारे लोग हैं. एज इन ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि आप कहीं इस इंसान को आते जाते कहीं मिले हो या फिर वर्क प्लेस पर आप इनको मिले हो. एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रोज इस इंसान से सामना हो रहा है लेकिन बहुत अच्छे से मे बी कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, या कुछ ट्रूथ या ट्रांसपेरेंसी आप लोगों के बीच में नहीं बन पा रही है. फॉर सम पीपल देर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो. काफी सारे लोगों के लिए कोई तीसरा इंसान भी जो है वो इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में. अभी मैंने आई गेस इस रीडिंग से पहले ही जो रीडिंग अपलोड करी है, कैंडल वैक्स रीडिंग अपलोड करी है, थर्ड पार्टी वाले जो लोग हैं उनके लिए आप वो रीडिंग देख सकते हो. आपके लिए उसमें कुछ मैसेज हो सकता है गाइज. ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस उसमें चैनलाइज होके आए थे. सो अभी के लिए फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ पुराना यू नो भूल करके नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस इन देयर लाइफ, अपनी लाइफ में, अपने माइंड में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ प्लानिंग भी चल रही है, इनके जीवन में किसी का सपोर्ट भी है, या ये थर्ड पार्टी के फोर्स किए जाने पर आगे बढ़ रहे हैं. ओके, बट स्टिल देर इज अ चेन दैट इज हुकिंग देम, जिसकी वजह से ये, और होल्डिंग देम बैक. एक चेन है, एक जंजीर है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और चीजें इनको जो है वो पीछे की तरफ धकेल रही हैं, या पीछे की तरफ इनको यू नो पास्ट के बारे में सोचने के लिए इनको मजबूर किया जा रहा है. और प्रोबेबली दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर. बहुत मुश्किल से ये इंसान कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की और फ्यूचर के बारे में सोचने की, लेकिन पुराने, या तो किसी पुराने रिश्ते के बारे में, या अपने पुराने एक्स पार्टनर के बारे में, या किसी पुरानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में ये इंसान लेट गो नहीं कर पा रहे हैं. अदर थिंग दैट आई कैन सी इन देयर सिचुएशन इज दैट मे बी ये इंसान जो है इस समय पर किसी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं से कोई मदद इनके लिए आ जाए. ये डॉल्फिन यहाँ पे बनी हुई है,
ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं से अचानक से कुछ मिरेकल हो जाए, अचानक से कोई हेल्प इनके लिए आ जाए, और यहाँ पे इमोशंस ही इमोशंस है, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी यहाँ पर. सो मुझे ऐसा लग रहा है इनके जो, और स्पेशली इनके सर के इर्द गिर्द जो है, बहुत सारा इमोशन इमोशनल एनर्जी जो है वो इकट्ठी हो रही है यहाँ पर भी. अगर आप पेज ऑफ कप्स में भी अगर आप देखो तो ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग में ये पर्सन चल रहे हैं, और यू नो दे देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इनसाइड देम. फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन पास से निकल नहीं पा रहे हैं. कंटिन्यूअसली चीजें इनकी लाइफ में आगे बढ़ती जा रही हैं. मे बी डेली रूटीन में जो कुछ भी ये काम करते हैं या जो भी इनका यू नो डेली शेड्यूल है, वो सब चीजें तो चल रही हैं, बट बैक ऑफ द माइंड देर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन. एंड आई कैन सी कि ये बहुत सारा स्ट्रेस है जो अक्यूमुलेट हो रहा है कहीं ना कहीं इनके दिमाग में, और समहाउ ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू यू नो फाइंड अ सॉल्यूशन कि कैसे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से ये बाहर निकल के आ सकते हैं. ये थॉट इनके माइंड में चल रहा है. आई कैन सी कि अगर ये कोई मेल पर्सन है तो इनकी लाइफ में देर इज अ वेरी स्ट्रांग प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल, ठीक है, और ये एक लव कनेक्शन यहाँ पे बड़ा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है. ये आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है और वाइस वर्सा हो सकता है. ये पर्सन जो है मे बी आपकी तरफ यू नो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, या ये आपको इस तरीके से देखते हैं एज इफ यू आर समथिंग वेरी और समवन वेरी यूनिक. आपको इस तरह से देखते हैं जैसे आपके जैसी पर्सनालिटी या आपके जैसा एक चार्म जो है वो और किसी इंसान में नहीं है, और दे फाइंड यू वेरी वेरी डिफरेंट देन अदर पीपल. और लोगों के कंपैरेटिवली आप इनको बहुत ज्यादा अलग लगते हो, आपकी पर्सनालिटी वाइब इनको बहुत ज्यादा अलग लगती है. एंड समहाउ एक यू नो दे फील वेरी क्यूरियस. आई फील आई थिंक ये मैसेजेस उन लोगों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं जो लोग नए जुड़े हैं, या जो लोग जो हैं रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं. मे बी ये इंसान बहुत ज्यादा क्यूरियस भी हैं आपको लेकर के, आपके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के बहुत ज्यादा ये यू नो एक डिजायर इनके अंदर जनरेट हो रही है आपको पाने की, आपको अपनी लाइफ में लाने की. ऐसी चीज भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है. बट आई कैन सी कि ये इंसान जो है पास्ट में इन्होंने किसी से धोखा भी खाया है. वी ऑल्सो हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी हियर. इस पे भी हमको फोकस करना ही पड़ेगा बिकॉज ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने किसी से धोखा खाया है, किसी फीमेल से धोखा खाया है, एंड वो एनर्जी से शायद ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं. मे बी ये वही चेन है जिससे ये पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, और इनका माइंड कुछ और कहता है, इनका मन कुछ और कहता है, इन्हें करना कुछ और पड़ता है. इस तरीके से इनकी लाइफ जो है वो भी बटी हुई है, इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है. राइट, आई कैन सी कि ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं टू रीच समवेयर, टू मतलब किसी जगह पर पहुंचने के लिए या किसी फाइनल आउटकम तक पहुंचने के लिए ये अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, और इनको सपोर्ट भी मिल रहा है, स्पिरिचुअल रियल से काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फॉगीनेस है. जो मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग करी थी अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए करी थी बेसिकली, उसमें भी यही फॉगीनेस दिखाई दे रही थी मुझे बहुत ज्यादा, और यही एनर्जी जो है वो वहां पे भी चैनलाइज हो रही थी, वही फॉगीनेस यहां पर भी है. वो डाउट है शायद इस इंसान को, या डर है कि पुराना, अगर जो कोई पुराना लाइक पेन है ना, या पुराने जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं वो वापस से जीवन में रिपीट ना हो, वो वापस से इनकी लाइफ में रिपीट ना हो. एंड समहाउ दे वांट टू कम आउट ऑफ अ ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस. इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे कुछ यहाँ पे कुछ उम्र या कोई एज, कुछ एजेस हैं जो मुझे यहाँ पे इंडिकेट हो रही है आप लोगों के लिए. देर इज समवन 28 ईयर्स ओल्ड, 28 ईयर्स ओल्ड, 32 ईयर्स ओल्ड, 36 ईयर्स ओल्ड, 48 ईयर्स ओल्ड, 42 ईयर्स ओल्ड. देर आर सम वेरी यंग पीपल ऑल्सो, 18 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड. ये सारी एजेस जो है यहाँ पे चैनलाइज हो रही है. नेम के जो इनिशियल्स हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आप लोगों को, नेम के जो इनिशियल्स हैं जो इंडिकेट हो रहे हैं मुझे, वो है पी बहुत ज्यादा, सी जे एच एम टी एस आर डी और ए. ओके, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, इवन सरनेम भी इनसे स्टार्ट हो सकता है. दिस कैन बी अ हिंट फॉर यू, ये आप लोगों के लिए हिंट हो सकता है.
राशियां जो है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लीब्रा राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, सेजिटेरियस राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके, ये सारे जोडियक साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो ये करंट सिचुएशन की मैं करंट एनर्जी की जो रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट में भी आ रहे हैं, जो थर्ड पार्टी वाले भी हैं वो भी देख रहे हैं ये रीडिंग, उनकी भी एनर्जी मैं यहाँ पे कैच कर रही हूँ, मुझे समझ में आ रही है प्रॉपर। और मुझे एक तरीके से कार्ड्स में आपकी भी उत्सुकता दिखाई दे रही है, आपकी भी एक क्यूरियोसिटी दिखाई दे रही है टू रीच टू दिस पर्सन। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि दो एनर्जीज हैं, दो लोग हैं जो एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। एक इंसान एक्शन लेने के लिए तैयार है, एक बिल्कुल भी कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं है या अपना मन नहीं बना पा रहा है क्योंकि उसने पास्ट में ठोकर खाई है बहुत ज्यादा। और ये इंसान जो है जो लाइक चीटिंग का सामना करके आए हैं या ठोकर खा करके आए हैं, ये फेमिनाइन एनर्जी वाले पर्सन है, ये बहुत इमोशनल पर्सन है। जो एक्शन लेने के लिए रेडी है फिलहाल, वो मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि लॉजिकल माइंड से चलने वाला व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देखते हैं गणेश जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आई हैव माय कार्ड्स विद मी। ओम गण गणपतये नमो नमः, ओम गण गणपतये नमो नमः, ओम गण गणपतये नमो नमः। प्लीज गणेश जी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, फॉर माय व्यूअर्स क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, अंडरस्टैंडिंग। ओके, पहला मैसेज है आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग का, दूसरा मैसेज है चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन। ओके, एंड वन मोर मैसेज फ्रॉम लॉर्ड गणेशा, प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। ओके, आई फील कि अगर आप अपनी इस सिचुएशन को लेकर के या इस इंसान को लेकर के आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि गणेश जी जो खुद विघ्नहर्ता हैं, एक तरीके से उनके लिए एक चैनलाइज्ड मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। आपका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आपको थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करने की जरूरत है या आपके पर्सन को अपने आप को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, थोड़ा सा चाइल्ड लाइक इनोसेंस जो है वो इस कनेक्शन में लाने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच में बढ़ाने की जरूरत है। आप लोगों में थोड़ी सी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रही है मे बी, इसीलिए गणेश जी कह रहे हैं कि आपस में आप लोगों को शायद बात करनी चाहिए या चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए अगर आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी इज डिटर्मिनेशन, यहाँ पे मूल आधार चक्र की बात हो रही है। ओके, गणेश जी का जो इंडिकेशन है वो आप लोगों के मूल आधार चक्र की तरफ जा रहा है, बहुत सारे लोगों का मूल आधार चक्र जो है वो इम्बैलेंस्ड है। ओके, सो मूल आधार चक्र को बैलेंस करने के लिए आप रेड कलर की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड एनर्जी बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड जैस्पर का ब्रेसलेट अपने लेफ्ट या राइट हैंड में पहन सकते हैं, चार्ज करके अभिमंत्रित करके, डिपेंडिंग कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। और आप लम बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं अगर आपका जो रूट चक्रा है आपको लगता है बेस चक्रा अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो। ओके, ये आप लोगों के लिए आज की गाइडेंस है भगवान गणेश की तरफ से। आई रियली होप गाइस के इस रीडिंग के जरिए मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाई हूँ एंड ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करे, जो भी गाइडेंस आप लोगों के लिए निकल के आई है इससे आप लोगों की कुछ हेल्प हो। नेक्स्ट जो रीडिंग होने वाली है इसमें मैं दो सेट्स में आप लोगों के लिए अलग अलग रीडिंग करने वाली हूँ, सो अगर आप चाहें तो आप वो रीडिंग भी अपने लिए देख सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर दे करके जाना है, एज एनर्जी एक्सचेंज, ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।